अभी तो मैं तो कहूंगा मेरे हिसाब से इसमें दो चार फीचर्स कम ही दिए हैं महिंद्रा ने, और तो भी कमी है मेरे हिसाब से। महिंद्रा खाली वो टेम्पो और ट्रक ही नहीं भैया, सर्विस से थोड़ा इम्प्रूव करने का जरूरत है। टेस्ट ड्राइव के लिए मुझे लिटरली फाइट करना पड़ा। हम लोग के यहाँ का जो शोरूम है इसी में थोड़ा सा दिक्कत है। ये गाड़ी लेने के बाद मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मुझे ये फील नहीं होता कि मेरे पास ऑडी नहीं है, मर्सिडीज। सही। हेलो गाइस, वेलकम बैक। फ्रेम में देख सकते हो महिंद्रा XUV 700 का ये जो टॉप एंड मॉडल रहेगा। तो आज ना बहुत सारा मुझे क्वेश्चंस है, तो इनके ओनर को सबसे पहले पूछते हैं। तो भैया आ जाइए, वेलकम भाई आपको हमारे चैनल के अंदर। भैया थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम विवेक पाठक है और मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है। अच्छा। और जिसमें IT और मोबाइल और TV वगैरह सब आपको मिल जाएगा। अच्छा, स्मार्ट सब स्मार्ट डिवाइसेज जितने भी आजकल आ रहे हैं सब मिल जाएगा। ये मेरे दोस्त है। हाय, मेरा नाम सागर है। हाँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो आज हम लोग बोलेंगे जी मेरे सारे सवालों बिल्कुल बहुत सारा मेरे मन में क्वेश्चंस है कि महिंद्रा में इतना सारा पैसा डालना सही है नहीं है, हम सभी का है तो वही पूछेंगे। तो सबसे पहले तो ऑन रोड प्राइस कौन सा मॉडल है और कब लिया आपने वो एक बार बता दीजिए। ये मैंने बुकिंग कराई थी पहले आपको 7 अक्टूबर को, जो सबसे पहले खुला था इसका फर्स्ट 25,000 में, तो उस दिन मेरा बुकिंग हुआ था। तो मुझे महिंद्रा की तरफ से मैसेज आया कि जून में मिलेगा गाड़ी। अच्छा, तो उसके बाद जून तक तो मैं वेट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने काफी ट्वीट्स किए महिंद्रा को, उनके पूरे जितने भी टीम से सबको टैग कर करके। तो उसके बाद वहां से रिप्लाई आया कि कोशिश करेंगे जल्दी देने का। फिर से मैंने यहां के शोरूम के मैनेजर से भी बात किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि सर आप गाड़ी दो, देखो मैं कुछ आपको तोहफा वगैरह दे दूंगा, मुझे जल्दी गाड़ी मिल जाएगी। तो लकीली क्या हुआ कि जो मेरे पहले जिन्होंने बुक किया था उनका किसी कारण से कैंसिल हुआ। अच्छा। तो मेरा एक्चुअली मिडनाइट ब्लैक में बुक हुआ था और मेरा वही फर्स्ट चॉइस था। तो फिर उन्होंने मुझे ये ऑफर किया तो मुझे ये कलर सही लगा। तो फिर मैंने इसको बोला चलो ठीक है डन करते हैं ये। मुझे फिर 8 जनवरी को मिल गया। तो बहुत ही जल्दी मिल गया। हाँ, काफी जो एक्सपेक्टेशन था उससे जल्दी मिल गया। ये वो L वेरिएंट है ना। हाँ, टॉप मॉडल है, पेट्रोल ऑटोमेटिक। अच्छा अच्छा, डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था महिंद्रा की तरफ से? डिलीवरी एक्सपीरियंस अच्छा था आपका। हाँ, क्योंकि अभी भी यहाँ के जो शोरूम्स है, हम जिस शहर में रहते हैं जिससे आप कंपेयर करोगे दिल्ली नोएडा या बोंगाईगांव में, हम लोग असम बोंगाईगांव में रहते हैं, तो अभी भी थोड़ा अपग्रेडेशन बाकी है। तो मतलब ऑल ओवर जो तरीका होता है जैसे मैंने MG का हेक्टर भी लिया था कुछ दिन पहले, तो उसका जो डिलीवरी एक्सपीरियंस था वो एक अप टू द मार्क था। अच्छा। एक जो कैपिटल सिटी में जैसे होता है गुवाहाटी के अंदर वो शोरूम है, आपको फील होगा कि आप मर्सिडीज ले रहे हो, मतलब उस टाइप का लग्जरी, मतलब जो पैसा पे कर रहे हो एक प्रिविलेज आपको दे रहा था। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि ठीक है इनको अभी इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, तो कोई कंप्लेंट नहीं है, सजेशन है। अच्छा अच्छा, आगे देखिए कैसे फिर होता है इनका। अच्छा, और एक क्वेश्चन, आपके पास दूसरा कौन कौन सा कार था और अभी भी है अगर कोई? तो मेरे पास मतलब ऑल ओवर मेरे फैमिली में जैसे एक हेक्टर है अपने पास, वो भी ऑटोमेटिक है। अपने पास होंडा सिटी है 2017 मॉडल, वो भी ऑटोमेटिक है, टॉप एंड वेरिएंट। ये सब मैंने गुवाहाटी से ही लिया है। और i20 है और अपने पास 2 ऑल्टो है मारुति का। भाई साहब आप अपने आपको शोरूम डिक्लेयर कर दीजिए। और भी गाड़ी आने वाला, वही बोला ना, आप शोरूम डिक्लेयर कीजिए शोकेस लगा के। और क्या, अच्छा किलोमीटर कितना हुआ अभी तक इसका? ये अभी आपका ऑलमोस्ट 2800 किलोमीटर चल चुका है पेट्रोल में। पेट्रोल में, और अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं आज है 13 फरवरी, तो मतलब दो कितना महीना हुआ? एक महीना 4-5 दिन हुआ है। माइलेज कितना देता है? तो फिर अगर आपने, वैसे तो आपको पूछना गलत होगा फिर भी आप अगर बताएं। जब मैं स्टार्ट किया था चलाना इसको तब 7.5 दे रहा था। अच्छा, अब धीरे धीरे इसका माइलेज थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, 8-10 आया है। तो हाईवे में ये 10+ दे रहा है, मतलब इस इंजन के साथ ये पावर के साथ तो मेरे हिसाब से सही है। मुझे एक्चुअली जब मैं सिटी चला रहा था तब मेरा यही रिक्वायरमेंट था कि मुझे एक हाई टॉर्क वाला गाड़ी चाहिए, मिनिमम 200 PS का। अच्छा। तो मुझे टोटल को एंजॉय कर सकूं। अच्छा, अच्छा। गाड़ी को दबाऊं तो गाड़ी भागे, तो ये सही रहेगा क्योंकि आपने काफी ज्यादा चला भी लिया है, तो आपसे काफी सारा क्वेश्चन पूछना भी सही रहेगा, मतलब क्योंकि चला लेने के बाद ही जाके पता चल जाता है ना। अच्छा, ये एक जो है फुल साइज SUV कहा जाता है क्योंकि 3 रो आता है, 3rd रो में भी सीट्स है, क्या लगता है आपको? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ जब भी कोई 7-सीटर SUV लेते हैं मतलब इस साइज का, तो क्या जो तीनों रॉ है उसमें 7 adult बैठ सकते हैं या फिर मतलब क्या मतलब चीज है? जहाँ तक मैं स्टडी किया हूँ कि इंडिया में हमेशा से जो 3rd रो है वो बच्चों के लिए ही दिया जाता है। हाँ। कि जो एक आपका 15 ईयर्स के बिलो जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए ही दिया जाता है। ये तो उस हिसाब से आप देखो तो
अगर आपको शॉर्ट ड्राइव करना है तो हमारे जैसे 5'7" 5'8" जो मेरा हाइट है, मेरे जैसा एडल्ट आराम से कर सकता है 200 किलोमीटर का ड्राइव कर सकता है। अगर मोर देन 5'9" है तो उनको लॉन्ग ड्राइव में दिक्कत आएगी, अगर अप टू 100 किलोमीटर का प्रॉब्लम, मतलब बेसिकली इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे आप बैठा, मतलब बिठाए हो क्या किसी को? हां, बैठा हुआ है, मेरे दुकान के लड़कों को मैं पार्टी पे ले गया था, साथ सही रहता है, एडल्ट बैठे हैं, सबका हाइट 5'8" के तक था तो सब सही से बैठ गए थे। अच्छा अच्छा, तो मतलब यही मुझे पूछना था, तो वही चीज। अच्छा, इसमें जो है दुनिया भर का आपको फीचर देखने में मिल जाता है, मेरा थोड़ा सा कैसा है, सिंपल थोड़ा सा रहेगा तो अच्छा रहता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फीचर यहाँ पे हो गया? नहीं, देखिए अभी जैसे कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है और जैसे कि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अभी तो मैं तो कहूंगा मेरे हिसाब से इसमें 2-4 फीचर्स कम ही दिए हैं महिंद्रा ने, और भी कम ही है जो मुझे कंप्लेन है कि ये क्यों नहीं है वो क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ फीचर जो आज का डेट में आप अगर लग्जरी बोल के बेच रहे हो तो उसमें कुछ कुछ आपको देना चाहिए। अच्छा, पीछे का डिक्की जो उसको ऑटोमेटिक देना चाहिए। अच्छा, हाँ, वो हाइड्रोलिक नहीं है और वो पैर से भी नहीं खुलता है, मतलब नहीं खुलता है। और ये बोनेट है, ये हाइड्रोलिक नहीं है, ये काफी वेट, ये तो बहुत हैवी है। ये मैं भी अभी IRVM भी तो इसका, ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं चलता है कि IRVM, मतलब ये पता नहीं सर अपग्रेड करेंगे क्या सोच के निकाले। काफी लोगों का ये मैंने ट्वीट भी देखा कि IRVM तो एटलीस्ट, और ये हाइड्रोलिक वाला चीज है तो सही है। अच्छा, और एक चीज, इतना फीचर है तो महिंद्रा इसको मेंटेन कर पाएगा क्या? मतलब क्योंकि मेरा प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है ना महिंद्रा के साथ, उतना खास अच्छा नहीं है। नहीं, महिंद्रा का मैंने भी सुना है, क्योंकि ये मेरा महिंद्रा का पहला एक्सपीरियंस है महिंद्रा के साथ, क्योंकि मैं अभी तक महिंद्रा का कोई गाड़ी नहीं लिया था। मेरे हिसाब से महिंद्रा खाली वो टेम्पो और ट्रक ही नहीं भैया, 500 बहुत सही कार है वैसे, वो मॉडल से थोड़ा सा महिंद्रा का पॉपुलैरिटी आया। तो अभी तक तो मुझे कोई वैसा एक्सपीरियंस नहीं झेलने को मिला, फर्स्ट सर्विसिंग ही हुआ है। तो देखते आगे कैसा। फर्स्ट सर्विसिंग का एक्सपीरियंस तो फिर कैसा रहा? फर्स्ट सर्विसिंग का एक्सपीरियंस, मैं मेरा हर आंसर यहाँ के जो समझ रहा हूँ बोंगाईगांव शोरूम के हिसाब से मैं बोलूंगा कि ये लोग को थोड़ा सा अपना सिस्टम और अपना जो पूरा सर्विस है थोड़ा इम्प्रूव करने का जरूरत है। ये यहाँ पे मैन पावर भी कम है और जो नॉलेजेबल पर्सन है गाड़ी को लेकर बहुत कम है। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं महिंद्रा में जब गया था वीडियो करने के लिए, और मतलब 120 नया आया था तो देखने के लिए गया था, तो उनके पास 3-4 दिन गया, हर दिन उनका बैटरी खत्म रहता था गाड़ी का। अच्छा, आपने टेस्ट ड्राइव लिया था? ये टेस्ट ड्राइव के लिए मुझे लिटरली फाइट करना पड़ा, बार में जाना पड़ा इनके साथ, मुझे इनके कस्टमर केयर में कंप्लेन करना पड़ा। मैं 2 बार गया, मुझे नहीं मिला, तीसरा बार मैं कंप्लेन किया, मेल लिखा वगैरह, उसके बाद मुझे टेस्ट ड्राइव मिला। मतलब तो पता नहीं ये सब एक्सपीरियंस। ओवरऑल देखिए, हम लोग के यहाँ का जो शोरूम है इसी में थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी का तो मुझे लगता नहीं इतना, क्योंकि मैं गुवाहाटी में गया था, गुवाहाटी मुझे ऑन द स्पॉट मिल गया था, मुझे डीजल का मिला था। अच्छा, डीजल का, डीजल का मुझे चलाया तो मैं, मुझे उतना मजा नहीं आया, क्योंकि आप पेट्रोल, मुझे पता है आप हर एक पेट्रोल ले रखते हो, लेकिन बोलते हैं ना कि आज का रेट में डीजल और पेट्रोल में फर्क नहीं है। हाँ, ये भी फर्क है, जो पेट्रोल चलाता है वो समझ सकता है। हाँ, मतलब वाइब्रेशन और साउंड का मैं पर्सनली भी मतलब पावर चाहिए, लेकिन मैं खुद होंडा सिटी चलाता हूँ तो पेट्रोल ही सही लगता है, सही में बता रहा हूँ, कितना भी चला ले हम तो। ये एक चीज है ऑब्वियसली, और 15 साल वाला चीज है भी, अगर आप मतलब आप तो घूमते ही रहते हो तो वो वाला चीज भी कहीं ना कहीं है। अच्छा, एडास इसमें, इसके अंदर मिलता है? एडास वगैरह जो है आपका वो सही से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और यही एक जो USP इसका है दूसरे कार से इसको अलग करता है, क्योंकि बहुत लोग फीचर्स देते हैं लेकिन वो सही तरीका से काम नहीं करता। सही है, सही है। इसमें जो महिंद्रा ने दिया है ये काम सही से कर, ये आपका सही है। अच्छा, और एक चीज है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी इसको जब चला रहा था तो फ्रंट सीट में जब मैं बैठा, क्योंकि मेरा हाइट ना 5'8" के आसपास है तो बहुत ज्यादा हाइट तो नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता कि हेडरूम जो है वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे अड़ रहा है जो स्पीकर का पोजीशन है? इसमें क्या है कि इसमें आपका, अभी मैंने हाइट पूरा ऊंचा किया हुआ है, इसका हाइट एडजस्टेबल है, तो जो अगर इसमें मेरा एक भैया है वो 6 फीट का है, तो वो भी चलाया हुआ है, तो वो हाइट को डाउन कर लिया, लेकिन अगर डाउन करेंगे तो व्यू का थोड़ा सा वो नहीं रहेगा क्या? जिनका हाइट है वो उनका ऑटोमेटिकली व्यू आ जाएगा। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता जो ट्विटर का पोजीशन है ऊपर वो थोड़ा सा ऑड है करके, ऊपर वाला जो मैं बात कर रहा हूं? हां, मुझे ऐसा, मतलब मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जब साउंड एंजॉय करता हूं तो फिर अच्छा लगता है। ये तो है। अच्छा, ऑब्वियसली ये टॉप मॉडल है और आपका हर एक कार मुझे भी पता ही है टॉप मॉडल है, बट इसका ऐसा नहीं लगता थोड़ा सा जो AXL वेरिएंट है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी करके वेरिएंट है ऐसा? हाँ, जरूर, डेफिनेटली। इसका जो आप लोग बहुत सोचते हैं कि अगर L या AXL लोग लेंगे तो क्या डिफरेंस है, लेकिन L लेने में बहुत डिफरेंस है। ये मैं बहुत रिसर्च करके लिया था, क्योंकि अच्छा, इसमें आपका सबसे पहला बात तो जो इसका आपका यहाँ पे डैशबोर्ड है पूरा, इसमें आपको ऑटोमेटिक पार्किंग का स्विच मिलता है, दूसरा में मैनुअल लीवर मिलता है, तो वो एक बहुत डिफरेंस लाता है लग्जरीनेस में ऑब्वियसली। और ऑटो होल्ड का स्विच दिया हुआ इसमें, आपका जो कंट्रोल्स है उसका पूरा एक
यहाँ पे एक रुक जा, हाँ, है, हाँ, जिससे आप इसको अपना ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये काफी बहुत सारे फर्क है इसमें आपके, हाँ, लग्जरी में और इसमें नॉन लग्जरी में आपके, हाँ, और ऑटोमेटिक का तो एक ऑटो मेरा तो पहला प्रेफरेंस ही वही रहता है। तो अच्छा, आप जो है इससे पहले होंडा सिटी सीविटी, हाँ, और होंडा का ऑटोमेटिक तो क्या ही बोले, हाँ, मतलब किसी के साथ भी आप कंपेयर कर लो, तो इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, ऑब्वियसली प्राइस रेंज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, फिर भी क्या मतलब क्या कहूँ? नहीं देखिए, दोनों अपनी जगह में बहुत सही है। वो 7 स्पीड ऑटोमेटिक है, 6 स्पीड है, तो वो एक आउट एंड आउट सेडान है और ये आपका एसयूवी है, तो वो अपनी जगह में मुझे लगता है कि उस सेगमेंट में उससे बेटर कार नहीं है। और क्योंकि वो पहला कार था जो 7 स्पीड ऑटोमेटिक था उस प्राइस, और इतना सही ऑटोमेटिक वो, उसका मतलब आपको मतलब 1 सेकंड के लिए तो उसको कभी आपको फील ही नहीं होता, हाँ, ट्रांसमिशन पता सही में सही है, तो है इलेक्ट्रिक कार जैसा फील करवाता है कई बार। मैं भी सही है कार। अच्छा, डोर हैंडल को लेकर डर है आपको कि टूट जाए? हाँ, ये एक बहुत बड़ा चिंता का बात था जब गाड़ी ले रहा था, बहुत जन बोला भी मुझे, हाँ, जब मैंने लेने के बाद इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया, हाँ, तो ये एक्चुअली आपका ऐसे वन टच में आपका ये अनलॉक हो जाता, हाँ, है, हाँ, जब भी आप गाड़ी को फिर गाड़ी से बाहर निकलते हो तो ये आपका ऐसे वन टच करने से ये लॉक हो जाता, हाँ, है, बट ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा, हाँ, तो लेकिन है तो प्लास्टिक का, हाँ, ये ज्यादा समय तक आप इसको ऑन मत छोड़ो, नहीं वो तो है, रहना पड़ेगा, लेकिन ये एक बेनिफिट इस वेरिएंट में हो जाता है कि ऑटोमेटिकली खुलेगा नहीं, लेकिन इसके नीचे वाले वेरिएंट में तो वो खुल जाता है, दिक्कत हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैं की से भी अनलॉक या लॉक करूँ, ओपन और क्लोज, तो महिंद्रा का कमाई है इसमें, तो जब भी टूटेगा मतलब इस ब्रांड में नहीं, दूसरे ब्रांड के अगर दूसरे वेरिएंट में हो सकता है, तो अभी किया का कैरेंस भी आया है, तो उसमें आपका जो उसका सिर्फ एक वन टच है जो दबाने से खुल, हाँ, जो एंट्रेंस है थर्ड रो के लिए बहुत इजी हो जाता है। इसमें डेफिनेटली थोड़ा प्राइसिंग को लेके कॉम्प्रोमाइज किया था, लोग अफोर्ड कर पाए, लेकिन इससे कुछ कुछ चीजें अगर वो थोड़ा सा और कॉस्टली भी रखता और थोड़ा सा वेंटिलेटेड सीट्स हुआ या IRVM हुआ ये सब अगर देखा तो बढ़िया होता। ये तो है। अच्छा, और एक चीज, ये जो कार है बहुत ह्यूज है और आप इसको मैं देखता हूँ शहर में भी चलाते, हाँ, रहते हो गली वली से, तो ऐसे डर नहीं लगता आपको? हाँ, सही ये मतलब मेरे पूरे फैमिली में, हाँ, डर से ही कोई ये कार अब तक चलाया नहीं और मुझे लेने नहीं दिया था क्योंकि इतना बड़ा कार लेकर तुम सही में कैसे। लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं इसको 2800 में से 2000 मैंने टाउन में ही चलाया, और मतलब मैंने मर्सिडीज भी चलाया हुआ, लेकिन इतना स्मूथ हैंडलिंग और स्टेयरिंग मैंने किसी कार को नहीं देखा। स्टेयरिंग तो बहुत लाइट है, बहुत ही अच्छा हैंडलिंग है, और इसका जो सीट में बैठने का जो आपको व्यू मिलता है बाहर का, हाँ, वो मतलब इतना अच्छा मिलता है कि आपको एक रास्ता में पत्थर भी दिख जाता है। सही, तो ये मतलब बहुत ही इजी है टाउन में, ये बस लोग जो सोच रहे कि बड़ा है, हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मतलब बोनट का जो व्यू आता है वो तो कॉन्फिडेंस अलग ही दे, वो जब लोग चला लेंगे ना जो, वो फिर समझ जाएंगे कितना इजी है। सही है। अच्छा, सस्पेंशन कैसा रहेगा आपके? सस्पेंशन इसका सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सस्पेंशन से, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं चलाता हूँ गाड़ी, हाँ, हाँ, तो मेरे एंड पे जो ड्राइवर का सीट है वहाँ कंफर्ट लगता है, बाकी जो मेरे दोस्त लोग बैठे हैं या फैमिली, हाँ, मेंबर, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो हाई स्पीड में गाड़ी चलती है जो 100 के ऊपर, तो इसका थोड़ा सा सस्पेंशन आपका ऐसा बनाया गया है कि वो गाड़ी सेट को होल्ड करके रखती है। तो अच्छा भैया, आप बताओ, आप तो बैठते हो इसके अंदर, सस्पेंशन आपको स्टिफ नहीं लगता थोड़ा सा, या फिर कैसा लगता है बेसिकली, आप बताइए? ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा है। अच्छा है, क्वाइट गुड। अगर हेक्टर के साथ कंपेयर करें तो, क्योंकि आप वहाँ पे भी बैठे हो, हेक्टर के साथ इसको तो कंपेयर नहीं कर सकता हेक्टर अलग चीज है, ये अलग चीज है। अच्छा, सीट्स आपको कैसा लगा, क्योंकि आप से पूछना, इनको तो अच्छा ही लगेगा, इसने खर्चा किया, मुझे भी अच्छा लगा पर्सनली। अच्छा, मैं बोलूं इनके एडवाइस से ही मैंने ये गाड़ी लिया, तो आपको सही नहीं, लेदर इसका बहुत सही है, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं वही सीट्स की बात, आप पीछे बैठे हो इसमें? हाँ, मैंने तो वो क्या बोलते हैं, थर्ड रो में सीट को सुला के थर्ड रो में पूरा पैर उठा के बिस्तर बना के चला गया, तो मतलब कंफर्टेबल लगा आपको? अच्छा, आप थर्ड रो में बैठे हो तो सही लगा आपको? कैसे, दिक्कत नहीं लगा ना? कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग जर्नी, हाँ, वो तो है ही, लेकिन वो तो भैया ने बोला है कि इमरजेंसी के लिए सही है, बस वही है। हाई स्पीड में आपने अगर चलाया हुआ है तो वहाँ पे कैसा लगा, क्योंकि आप तो चल ये मैं इसको 150 टच किया हूं। हाँ, मेरे पास वीडियो भी है उसका, हाँ, टच किया हुआ, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब कंट्रोल में इतना बड़ा बॉडी को इतना अच्छा से ये किया गया है कि आपका जो स्पीड है वो कुछ पता नहीं चलता है गाड़ी में। चलिए, ये भी सही है। खराब रोड में आपने लेके अभी तक मैंने प्रॉपर ऑफ रोडिंग नहीं की है, मेरा प्रोग्राम है कि मैं इसको लेके लद्दाख वगैरह जाऊं, लेकिन अभी तक अगर थोड़ा मोटा मोटा जो भी हुआ, जैसे हम लोग भी अभी जब आ रहे थे, तो दिक्कत नहीं दे रहा है कोई गाड़ी, सही है मतलब, क्योंकि मेरा मन था कि मैं ऑल व्हील ऑप्शन लूं, लेकिन तब तक वो लॉन्च नहीं हुआ था जब मैंने ये बुकिंग कर लिया था, लेकिन मुझे ये लेने के बाद भी कोई मतलब डिफरेंस नहीं दिख रहा ज्यादा। अच्छा, लाइट का कैसा है, क्योंकि व्हाइट लाइट आता है इसमें, मतलब लाइट जो है ये मैं बोलूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट।
इम्पोर्टेंट है क्योंकि हेक्टर का लाइट भी आपका मुझे दिखा और होंडा सिटी का भी दिखा मैं, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से सभी गाड़ी चला रहा हूँ, तो इसका लाइट आपका जैसे 80 के ऊपर हम लोग जाते हैं तो ऑटोमेटिक बूस्टर हो जाता है लाइट और बढ़ जाता है, तो काफी अच्छा लाइटिंग है, मतलब अच्छा रात में कोई दिक्कत नहीं होता। ट्रक का अगर लाइट आएगा भी तो भी ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं करता है, ऑटोमेटिक ऑप्शन है क्योंकि ये लग्जरी है, तो इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन ये है कि आपका जैसे ऑटोमेटिक अपर और डीपर हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा चलिए ये भी सही है। सनरूफ सबसे बड़ा है इसका जहाँ तक मुझे पता है, पैनोरमिक है तो वो बताइए। ये मेरे पास जो होंडा सिटी है उसमें जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक सनरूफ आता है ये चार आ जाए, तो वो जब से मैं लिया और अभी काफी 5 साल हो गया उसको लिया, तो मुझे एक डिजायर आया कि चलो एक पैनोरमिक सनरूफ वाला गाड़ी लेते, तो मैं यही मतलब मैं 2 साल से एक गाड़ी का प्लान कर रहा था कि मुझे एसयूवी चाहिए, और सबसे पहला बात जो इस 700 का अच्छा है कि इसको देखते ही पसंद आ जाता है, इसका लुक बहुत अच्छा प्रीमियम है। एक चीज ये मतलब आप कोई भी गाड़ी कंपेयर करो, सफारी लो या हैरियर लो या जो भी इस सेगमेंट में गाड़ी है, उसका मतलब लुक के कंपेरिजन में ये बहुत अच्छा है। ये मतलब पहला चीज ही देखते ही पसंद आता है, उसके बाद जो बाकी जो सनरूफ वगैरह है ये मतलब मुझे जो चाहिए था उसके लिए आइडियल कार था। अच्छा कैबिन तो बहुत ज्यादा प्रीमियम है इसमें कोई शक नहीं है, आइसोलेशन कैसा है, बाहर का रोड नॉइस कुछ आता है? नहीं ये सब कुछ नहीं है, एकदम साइलेंट है, क्योंकि मैं जनरली ज्यादा गाना बजाता नहीं हूँ इसमें गाड़ी में, लेकिन जब मैं नॉर्मली जाता हूँ तो इसमें कोई साउंड नहीं आता है बाहर का। और आईआरवीएम का तो बहुत बड़ा मिसिंग लगता है। वो एक शिकायत है, वो मैं देख रहा हूँ आफ्टर मार्केट कोई ऑप्शन मिले अच्छा तो मैं इसको चेंज करवा। हाँ ये मिल भी रहा है, मैं देखा एक वीडियो भी देख रहा था, तो मैं वो करवा लूंगा कुछ कुछ, अब देखिए उपाय नहीं है ना, देर जाट कि नथिंग कैन बी परफेक्ट, एक कार में सब नहीं दे सकते, ये भी एक चीज है। हाँ ये तो मतलब सेफेस्ट कार है ऑब्वियसली, मतलब कोई शक तो है नहीं। अच्छा हाँ सेफेस्ट कार की बात, टोयोटा जो है ऐसे मतलब बढ़ चढ़ के कहते हैं फॉर्च्यूनर में सनरूफ क्यों नहीं देते, तो वो लोग कहते हैं सेफ्टी के साथ थोड़ा सा हो जाता है खिलवाड़, तो उसको हाँ तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं, देखिए ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगता है कि महिंद्रा का ये ट्राई, जब अगर इसको जो एनकेप ग्लोबल रेटिंग 5 स्टार मिला है तो वो कोई टेस्ट के बाद ही मिला है, ऐसे तो महिंद्रा को कोई पैसे देगा तो वो नहीं लिया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वही टोयोटा आपको बलेनो बना रहा है, ग्लेंजिया को कॉपी करके भी बलेनो ग्लेंजिया बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है आपका। अच्छा पब्लिक रिएक्शन कैसा है, क्योंकि बोंगाईगांव के अंदर मैं बात करूं तो 2 ही 700 है और ऊपर से यही एल जो है एक ही है, तो पब्लिक रिएक्शन तो मुझे काफी मिला है, जब मैं इसको पहला 3-4 दिन लेकर आया तो लोग गाड़ी रोक रोक के बोल रहे थे कि ये गाड़ी तुमको मिला कैसे, इतना अच्छा गाड़ी है ये है, अभी भी लोग घूम घूम के देखते हैं, मतलब ये गाड़ी लेने के बाद मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मुझे ये फील नहीं होता कि मेरे पास ऑडी नहीं है, मर्सिडीज, सही में उससे ज्यादा हर चीज इसमें मिल गया है, सही में बस वो उनका जो एक ब्रांड का लोगो है वही एक डिफरेंस है, बाकी और मुझे ऐसा कोई फील नहीं आ रहा कि मेरे पास वैसा गाड़ी क्यों नहीं। और वो मेमोरी सीट वाला फंक्शन तो बहुत सही है इसके अंदर, सही में बहुत सारा फंक्शन जो तक मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया है, बिल्कुल गाड़ी चला के इतना मजा आता है, स्मूथनेस इतना वही है, बस वही एंजॉय कर। मतलब मुझे ना सबसे बेस्ट लगता है इसका जो कैबिन का इन कैबिन फीलिंग है और जो क्वालिटी है, सही में महिंद्रा ने बहुत सही एक मतलब काम किया है इसमें, तो ये है। अच्छा आपने बहुत ज़्यादा चला दिया है, तो अगर आपको मैं कहूँ ओवरऑल एक स्कोर देने के लिए तो आप क्या दोगे? मैं इसको आउट ऑफ टेन ही दूँ। 10 अगर मेरा बच्चा देना, मैं 10 out of 12 देता हूँ। 4 कार गाड़ी बहुत अच्छा बनाया है, आफ्टर मार्केट महिंद्रा को अपना सर्विस और अपना शोरूम में जो जो और एनहांसमेंट करना चाहिए कि थोड़ा सा सर्विस बेटर दे, कम्युनिकेशन बेटर करे, वो जरूरी है, लेकिन एज ए प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा आज अगर आपसे मैं कहूँ, वैसे आंसर मुझे पता है कि फिर से आपको वैसा ही मतलब जो जितने में आपने खरीदा था वही पैसा फिर से आ जाए, और आज अगर आपको लेना पड़े ये जो भी एक्सपीरियंस है शोरूम के एक्सपीरियंस जानने के बाद, तो क्या लोगे आप यही? मैं पार्टिकुलर इस शोरूम से गाड़ी लेना पसंद नहीं करूंगा। अच्छा लेकिन हाँ मैं मेरा घर में और एक ये मॉडल मेरे बड़े भाई को पसंद इतना आया कि वो सेम कलर सेम मॉडल लेना चाहता है। अच्छा तो मैं ये गाड़ी वापस से यही गाड़ी लूंगा। थैंक यू सो मच आपके एक्सपीरियंस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया भैया आप दोनों लोगों को कि टाइम निकल के वीडियो बनाए। बाकी ऑडियंस आपको अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, बाकी थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलते हैं, जॉय एट होम, बाय गाइस।